बहुत दिनों से बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, बस कमेंट से यही भरा गया है कि भैया पढ़ाई में मन नहीं लगता। देखिए पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है, इसके लिए मैं दो रीज़न बताऊंगा, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैन साथियों, दीपक कोहली दिस साइड, स्वागत है आपका मेरे चैनल कोहली जॉब्स इन्फो में। तो कैसे हो आप सभी भाई और बहन। कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसका पहला रीजन है आपका इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट यानी कि आपका जो इंटरेस्ट है वो कहीं और है। जब तक आपका इंटरेस्ट कहीं और है पढ़ाई के सिवा, तो आपका वहीं मन लगेगा जहां पर आपका इंटरेस्ट है। अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो भैया पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, चाहे मैं कितनी ही बार बोल लूं, चाहे घर वाले कितने ही बार बोल लें, और चाहे कोई भी कितनी भी बार आपसे बोले, आप पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अपना इंटरेस्ट आपको जगाना पड़ेगा। जैसे आप कोई सा भी स्पोर्ट्स खेलते हो, स्पोर्ट्स वगैरह या कोई भी आपका फेवरेट चीज होती है, आप उसमें लगातार कई सारे घंटे दे देते हो। क्रिकेट है, लगातार 2-3 घंटे 3-4 घंटे लगातार लगे रहते हो, एक भी पल आप इधर से उधर नहीं होते। क्रिकेट पे आपका पूरा फोकस होता है, और जिस चीज में आपका पूरा फोकस होता है, जिस चीज में आपका पूरा इंटरेस्ट होता है ना, तो वही चीज करने का मन करता है और उसी में मन लगा रहता है। लेकिन जो चीज आपसे जबरदस्ती करवाई जा रही है उसमें आपका थोड़ा भी मन नहीं लगता। मन करता है यार नहीं अब सो लेता हूं, मन करता है नहीं पढ़ाई तो नहीं करता कुछ और कर लेता हूं, मन करता है बहुत कुछ अलग मन करता है, लेकिन पढ़ाई में ही मन नहीं लगता, क्योंकि हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट को आपको जगाना पड़ेगा। जगाओगे नहीं तो होगा कैसे भाई, इसको जगाओगे तो आप जगोगे तो जो भी आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट, कोई ठोस वजह आपके पास कोई भी ठोस वजह नहीं है जिसके कारण आप ना चाहते हुए भी उसमें पढ़ नहीं पाते। ठीक है, ठोस वजह जैसे अगर आपके घर की परिस्थिति बहुत खराब है, कहीं बार हम बाकी चीज़ों को छोड़कर जिसमें भी हमारा इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ाई में अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है लेकिन हमारी वजह बहुत बड़ी है, तो हम उसमें इंटरेस्ट जगाते हैं। और आपको पता है कि मैं अगर नहीं कमाऊंगा तो मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, या अगर मैंने कोई सपना देखा है, वजह होगी ना हर चीज की। अगर आप पढ़ाई में आ रहे हो तो कोई ना कोई वजह होगी। क्या वजह होगी, या तो मैं अपने माता पिता का भरण पोषण करूंगा, अच्छी लाइफ स्टाइल उन्हें जीना सिखाऊंगा। कार में घूमना पसंद होता है किसी में सफर करना पसंद होता है, बहुत सारी चीज होती है, अच्छा लाइफ स्टाइल जीने की ख्वाहिश होती है सबका। आपने ये सोच लिया कि मुझे करना है तो करना है, मुझे काम करना होगा, मेरे बगैर घर नहीं चलेगा, तो यहां पर आपको जबरदस्ती कार्य आपको करना होगा और करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि हमें लोगों की गाली लगने लग जाती है। जिन्होंने भी मुझे गाली दी है, इन सभी लोगों की एक न एक दिन मैं बोलती बंद कर दूंगा। इन्हीं के सामने कार से घूमूंगा, लाइफ स्टाइल बहुत ही अच्छी जीऊंगा, बहुत ही बिंदास जीऊंगा। ये सब मैं इनको दिखाना चाहता हूं कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। और उस दिन उनको एहसास होगा कि जिस लड़के से आपने पंगा लिया वो बहुत ही गलत लिया। तो कहीं कहीं बार ऐसी गालियां आपको लग जाती है, जो घर वाले जो भी बोलते हैं उसका तो आप पालन करते नहीं, लेकिन बाहर का हम जल्दी सुन लेते हैं। ये सभी बातें जो बता रहा हूं, ये सभी चीजें मेरे साथ भी हुई है, मैं भी आपकी एज का ही हूं, तो आप में जो हुआ है, देखो सब लोग एक ही है ना, आप भी इंसान हो मैं भी इंसान हूं, जो घटना मेरे साथ भी हुई है, मैं भी नहीं पढ़ता था भैया, मुझे भी घर वाले बोलते रहते थे, सब ऐसे ऐसे बोलते रहते थे, बाहर से गालियां मिलती थी ऐसी वैसी। फिर एक दिन दिल पे बात लगी तो इंटरेस्ट को जगाना पड़ा, मन नहीं करता था यार पढ़ने का, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स के प्रति बहुत वो था, स्पोर्ट्स ज्यादा खेलता था तो उसी में मन लगा रहता था। रिश्तेदारों की गाली रोज के रोज पड़ती थी, अरे पढ़ता क्यों नहीं है, नौकरी कब लगेगा। तो एक दिन बात लगी और फिर तैयारी की तो सौभाग्यपूर्ण एक नौकरी मैंने छोटी सी पाई, जिससे कि मैं अब थोड़ा बहुत अच्छा महसूस करता हूँ, मेरे घर वाले अच्छा महसूस करते हैं, और जो पड़ोसी मुझसे जलते थे वो तो लाइफ टाइम जलते रहेंगे। आप अच्छा करोगे तो भी जलेंगे, आप बुरा करोगे तो जलना तो स्वाभाविक ही है उनका।
फोर्थ पॉइंट आप सभी का रहेगा, भैया आपने ये तो बता दिया, अब ये बताओ पढ़ाई में मन कैसे लगेगा, कैसे लगेगा, कैसे लगाएं, कैसे लगाएं भैया पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। मैं बताना चाहूंगा, देखिए जब जब मैं बोर होता था, देखो एक इंसान लगातार कहीं सारे घंटे तो पढ़ नहीं सकता, दो तीन, तीन चार, पाँच छः, सात आठ, 10-12 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकता। इंसान की एक कैपेसिटी होती है, वो 40 से 50 मिनट लगातार पढ़ सकता है, बाकी टाइम अगर वो ज्यादा लगातार पढ़ रहा है तो उसमें भूल हो सकती है, मतलब जो वो पढ़ रहा है वो भूल जाएगा जल्द से जल्द। तो कोशिश कीजिएगा जब भी आप पढ़ें तो 40-50 मिनट के बाद लगातार 2-3-5 मिनट का आप गैप लीजिए। गैप के दौरान भैया हमको क्या करना है, देखिए जब ऐसे मैं भी बोर होता था तो मैं क्या करता था यार, टहलने के लिए पानी वानी पीने चले जाता था एकदम से, क्या कहते हैं, कोई गेम है मोबाइल में, गेम तो मैं ज्यादा खेलता नहीं था क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है, इंटरेस्ट ज्यादा जाग जाता है। मैं यूट्यूब चैनल खोल लेता था, मैं प्रैंक वीडियोस और लाफिंग कॉमेडीज वीडियोस ज्यादा देखता था, या देखते देखते कई सारी ऐसी वीडियो आ जाती हैं जो अनहोनी टाइप की होती है, अजीबोगरीब चीजें होती हैं, उसको देख लेता था। तो मैं देव से 3-5 मिनट तक का उसको देख लिया करता था, या कार्टून देख लिया करता था, इधर उधर पैदल चल लिया करता था। इस दौरान मैं अपना टाइम को बांट लिया करता था, जो भी मेरा इंटरेस्ट नहीं लगता था अब वो लगने लग जाता था, या छजली में चले जाता था, छजली में जाके खड़े होकर देखता था यार, ऊपर नीचे देखता था कि अब थोड़ा फ्रेश महसूस कर रहा है, क्योंकि हम जब घर पे अंदर अंदर पढ़ते हैं तो थोड़ा बंद बंद सी सी लग जाती है, लेकिन जब आप ताजी हवा दे के लिए बाहर खड़े होते हैं ना, चाहे आप सुबह हो, शाम हो, रात हो, हवा तो चलती रहती है, तो फ्रेशनेस सी आ जाती है कि हाँ भाई ऐसा लग रहा है कि मैंने तो अभी पढ़ाई की ही नहीं है, जबकि हम बहुत देर से पढ़ रहे होते हैं। तो अपना इंटरेस्ट जगाइए, चाहे खेल के माध्यम से लगाइए, चाहे किसी के माध्यम से लगाइए। क्या क्या बोल रहे हो भैया, लड़की को फोन मिला लेना? नहीं नहीं भाई नहीं, लड़की बाजी तो आपको करनी नहीं है ज्यादा। चलो अगर देखो, अगर किसी का फोन आ रहा है, पढ़ाई करते करते आप साइलेंट मोड पे सभी करेंगे, ये तो आपको पता ही है, साइलेंट मोड में करने के बावजूद आपके कहीं कहीं लोगों का फोन आता है, आपकी गर्लफ्रेंड का भी फोन आ जाता है, या बाकी लोगों का भी फोन आ जाता है, तो कोशिश कीजिएगा 2 से 3 मिनट उनको दीजिएगा जिनसे कि उनको बुरा ना लगे। चलो एक दिन आप थोड़े व्यस्त हो, दूसरे दिन व्यस्त हो, लेकिन तीसरी दिन थोड़ा बैक कॉल मिला लेना, थोड़ा समय निकाल लेना, लेकिन 2 से 3 मिनट ही उनसे बातें करना, ज्यादा बातें मत करना, क्योंकि जब आप कंपटीशन में कूदते हो तो सब चीजों से रिश्तेदारी नाते रिश्तेदारी तोड़नी पड़ती है, रातें रिश्तेदारी तोड़नी मत पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिश्तेदारों से बिल्कुल बोले ही ना, आप कोई भी उनको मैसेज ना करें, कोई भी उनको कॉल ही ना करें, ऐसा नहीं है, रिश्ता नहीं तोड़ना है, रिश्ते को जोड़े रखना है, और अपने कम अपनी जो पढ़ाई है उसको भी तो जारी रखना है। अगर किसी को अपनी फिटनेस को बरकरार रखना है, कोई कहीं कहीं लोग होते हैं ऐसे जो अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, पढ़ाई में 40-50 मिनट आपने पढ़े, आपको लग रहा है यार बोरिंग सा लग रहा है, तो एक आध एक्सरसाइज कर लीजिए। मैं फिटनेस के प्रति बहुत ही वो था, मुझे पसंद था फिटनेस, फिट रहना, ये रहना वो रहना, तो क्या कहते मैं बीच बीच में पुशअप वगैरह मार लिया करता था, कोई ना कोई एक्सरसाइज कर लिया करता था, जिससे कि मुझ में बहुत एनर्जी फील होती थी, ठीक है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते तो हम बहुत ही अपसेट्स हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, और ऊपर से हम जब यूट्यूब में वो नेगेटिव कमेंट्स या नेगेटिव चीज़ें पढ़ते हैं तो नेगेटिविटी आ जाती है। देखिए ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया, आपके पास इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, नींद आ जा रही है, मैंने आपको सारे रीज़न गिनवा दिए। आप मेरी जब भी आप उदास होते हैं तो आप मेरी एक बार वीडियो ज़रूर देख लेना, देखिए आपको करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना है, अपने परिवार को बदलना है, आगे जो भी सपना है वो सिर्फ और सिर्फ आप पूरा करने वाले हो, आपके घर वाले आपका साथ दे रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हो कि आपको पढ़ाई का मौका मिल रहा है। आप नेगेटिव चीज़ छोड़ के कि भैया पेपर नहीं आए हम तो पढ़ाई छोड़ देंगे, भैया मेरी बस की बात नहीं है, तो आपकी बस की फिर बात ही नहीं है, करना चाहते हो तो लड़ना पड़ेगा, तकलीफें आएंगी, रोड़े पत्थर कांटे सब रास्ते में मिलेंगे, लेकिन लड़ना पड़ेगा। आप सबसे अलग पढ़ाई करोगे तो सबसे अलग नजर आओगे, आप बाकी लोगों की तरह रहोगे, बहाने बनाओगे तो बाकी तरह लोगों की तरह ही अपनी लाइफ स्टाइल को जियोगे। सबसे अलग बनना है, लगातार पढ़ना है, कैसी भी सिचुएशन हो पीछे नहीं हटना है, अपने आप को मोटिवेट करते रहो, ये जरूरी नहीं है कि भैया ही आपको मोटिवेट करते रहे हैं, अपने आप को खुद मोटिवेट करो, आपसे पावरफुल कोई भी इंसान नहीं है,
आप में से ही कल के दिन बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे पद पर आप जाओगे, बस किसी की बात आपके दिल पे लग जाए। जिस दिन किसी की बात आपके दिल पे लग जाए, चाहे गर्लफ्रेंड की लग जाए, चाहे पड़ोसियों की लग जाए, चाहे किसी की भी लग जाए, उस दिन आपका इंटरेस्ट खुद ब खुद जगने लग जाएगा। शुरू शुरू में आपको दिक्कत होगी, जो कम पढ़ाई करते हैं, जिनका एक दो घंटे के बाद किताबें रख देते हैं, सर में दर्द हो जाता है। तो भाई अभी स्टार्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कीजिए, कल के दिन आप में पढ़ने की क्षमता ज्यादा हो जाएगी। मोबाइल से पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है तो मोबाइल से पढ़ लीजिए, ऑफलाइन स्टडी में मजा आ रहा है तो ऑफलाइन कर लीजिए, ऑफलाइन में अगर आप बोर हो जाते हो किताब पढ़ते पढ़ते तो उसी टॉपिक को आप यूट्यूब पे देख लिया, कई सारे चैनल आएंगे, उन चैनलों की वीडियो को देखा और नोट डाउन कॉपी में जरूर करना है। टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करना है, कितने घंटे पढ़े भैया ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपने कितना ज्ञान अर्जित किया है, कितने पेज पढ़े हैं, कितने पेजों का जो भी आपने पढ़ा हुआ था अपने दिमाग में रखा है। पढ़ते समय इधर उधर अपना माइंड नहीं घुमाना है, गर्लफ्रेंड की तरफ नहीं घुमाना है, पड़ोसियों की तरफ नहीं घुमाना है, या किसी को भी कोई भी आपको ताने देना है उसका जवाब नहीं देना। कुछ समय के लिए आपको शांत रहना पड़ेगा, अपनी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है भाई, उनको एक समय दो प्रॉपर कि मैं इतने बजे तक का बात करूंगा, 2-3 मिनट 5 मिनट जब भी बात करूंगा, या 2-3 दिन बात करूंगा, 4-5 दिन बात करूंगा, तो वो मना नहीं करेगी। अगर आप अपने सपनों को उसको बताओगे तो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब के साथ अपने भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अगर आपको किसी को मेरा नंबर चाहिए, मैं अपना नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के नीचे, आप अगर देखोगे तो टेलीग्राम लिंक, इंस्टा लिंक और फेसबुक लिंक आपको देखने को मिलेगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके मुझसे जुड़ सकते हैं, जिससे मैं कोई भी नोटिफिकेशन भेजूंगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। अंत में जय हिंद साथियों।